ई शिक्षा कोर्स सफल ऐप नहीं है, उसमें है कि कोई 8:30 से शुरू हो जा रहा है तो 9:30-10 बजे तक इन ही नहीं हो रहा है, कोई समय से इन भी हो जा रहा है, कोई इन हो रहा है तो आउट ही नहीं हो पा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के समस्या को जानेंगे नहीं, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले शिक्षक से बात नहीं करेंगे, विद्यालय के छात्रों की समस्या को सुनेंगे नहीं, उसको समाधान नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं होने वाला। आप 1-2 विद्यालय, 4 विद्यालय, 10 विद्यालय में ट्रेन से चल जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, अटवट लेते हैं, आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। सरकार कहती है, ACS कहते हैं कि 1 तारीख को सरकार के शिक्षक के खाते में पैसा चल जाना चाहिए, 8 तारीख है, आज तक हम लोग के खाते में पैसा नहीं गया, पेमेंट नहीं हुआ, कहते हैं कि प्रताड़ना है। इन तमाम चीजों को अभी देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सुधारेगी, और नहीं सरकार सुधारेगी तो हम रोड पर भी, कोर्ट में भी और वोट में भी जबरदस्त आंदोलन करेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, लगातार जो बिहार के शिक्षक हैं वो शिक्षा कोष ऐप को लेकर काफी परेशान चल रहे हैं, और ऐसे में बिहार के शिक्षकों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा कोष ऐप बनाया गया है, इसको देखते हुए उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं शिक्षक। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। केशव जी, क्या कहिएगा, लगातार प्रताड़ना का आप लोगों के साथियों के द्वारा लगाया जा रहा है शिक्षा विभाग पर, ऐसे में क्या कुछ मामला है, और शिक्षा को ऐप को लेकर क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अभिषेक जी, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि देहात में कहावत है कि खाता न बही जे कही से सही, वही हाल आज हो गया है शिक्षा विभाग का। हम लोग इस शिक्षा कोष के कभी विरोध नहीं किए, हम लोग समय से आने जाने का कभी विरोध नहीं किए, लेकिन इस शिक्षा कोष सफल ऐप नहीं है। उसमें है कि कोई 8:30 से शुरू हो जा रहा है तो 9:30-10 बजे तक इन ही नहीं हो रहा है, कोई समय से इन भी हो जा रहा है, कोई इन हो रहा है तो आउट ही नहीं हो पा रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा रुक रहा है, फिर चल जा रहा है, फिर कॉल होकर इन होना पा रहा है। इस तरह से तमाम समस्याएं हैं, और बार बार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा निकाला जा रहा है कि जो ई शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी नहीं बनाएंगे उनका पेमेंट काट दिया जाएगा, और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग बना भी ले रहे हैं फिर भी उनको जो जिला से निकल रहा डाटा उसमें एब्सेंट दिखाया जा रहा है, तो ये पेमेंट है, और उनको जब पेमेंट काटने का आदेश दिया जा रहा है तो वो डिप्रेस हो जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका ऐसा है जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, उनको समस्या ही समस्या है। ऐसी परिस्थिति में जब तक इसमें सुधार नहीं होती है तब तक इस ऐप पर रोक लगाने की आवश्यकता है। लगातार के पाठक के बाद अब सिद्धार्थ एक्टिव मोड में दिख रहे हैं केशव जी, कई जगहों पर मुआयना कर रहे हैं, कई जगहों पर छापेमारी भी कर रहे हैं, तस्वीरें सामने निकल के आ रही, कभी ट्रेन से निकल जा रहे हैं, कभी ऑटो से निकल जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा इस पे? देखिए, वो जो काम कर रहे हैं धरती से जुड़ के कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि एक पदाधिकारी और एक नेता में फर्क होता है। नेता काम कम करते हैं, दिखाते ज्यादा हैं, और पदाधिकारी करते ज्यादा है लेकिन उसको दिखाते नहीं है। एक पदाधिकारी को क्या जरूरी है पब्लिसिटी की, उनको काम की जरूरी है ना, पदाधिकारी का काम बोलता है, पब्लिसिटी नहीं बोलता है। अगर हम ट्रेन से 3 घंटा में कहीं जाते हैं और गाड़ी से 1 घंटा में जा जाते हैं तो वो हमारे एक डॉक्टर के लिए एक कार आवश्यकता है, विलासता नहीं है, लेकिन एक टीम के लिए, एक छोटे कर्मचारी के लिए एक कार विलासिता है, उसे कहना चाहिए। ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि उनको मूल जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो जीरो लेवल पर शिक्षक काम करते हैं, उनसे जुड़ना चाहिए और उनसे बात करके उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। जब तक ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले शिक्षक से बात नहीं करेंगे, विद्यालय के छात्रों की समस्या को सुनेंगे नहीं, उसको समाधान नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं होने वाला। आप 1-2 विद्यालय, 4 विद्यालय, 10 विद्यालय में ट्रेन से चल जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, अटवट लेते हैं। भारत की, बिहार की जो 80% आबादी गांव में वास करती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के समस्या को जानेंगे नहीं और उसका समाधान नहीं करेंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे से मिलना होगा, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक से मिलना होगा और उसको समाधान करना होगा।
केशव जी आपने बताया मानसिक प्रताड़ना के शिकार आप तमाम शिक्षक हो रहे हैं, कई सारे आपके साथी हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या माना जाए, जो शिक्षा कोष ऐप है वो या फिर शिक्षा कोष ऐप में त्रुटियां आ रही है वो कारण माना जाए? नहीं, इसका सबसे मुख्य कारण है, इसका सबसे मुख्य कारण है सरकार की त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण नीति। हम कभी इस शिक्षा कोष का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको पहले सही तो कर लीजिए। यही सरकार आज से 3 साल पहले कही कि हम महिलाओं को दिव्यांगों को ट्रांसफर करेंगे और उसके लिए ऐप बनाएंगे, लेकिन आज 3 साल में उसे ऐप नहीं बना, कोई ऐप नहीं हुआ। लेकिन इस शिक्षा कोष का ऐप किसी तरह, आज हम अपने विद्यालय में की बात कर रहे हैं, आज भी हमारे विद्यालय के 3-4 शिक्षक ऐसे हैं जो ई में ही नहीं हो पा रहे हैं, उनका खून ही नहीं रहा है। कुछ तो ऐसे शिक्षक है जो आज इन हो जा रहे हैं और 4 दिन में आउटे नहीं हो रहे हैं, न इन हो रहे हैं, उसी में लगल ला रहे हैं। इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं और जो पदाधिकारी द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर आप नहीं कीजिएगा, अगर आपका ऐप से हाजिरी नहीं बनेगा तो आपका पेमेंट कटौती कर दिया जाएगा, आपके पेमेंट को काट दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई शिक्षिका बहन है जो नौकरी पर डिपेंड है, इसी के पेमेंट से अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, माता पिता के इलाज कराते हैं, लोन लिए उसका EMI जमा करते हैं, वो सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, और दिन भर रात भर सोचते रह रहे हैं, जिससे डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए कमी त्रुटिपूर्ण शोषणपूर्ण सरकार की नीति है, इस नीति को सरकार को बदलना होगा। तो क्या माना जाए कि आप लोग आंदोलन भी करेंगे अगर शिक्षा को सुधार नहीं होता है तो आप तमाम शिक्षक बिहार के? अभी तो हम लोग SES साहब और शिक्षा विभाग और सरकार के काम को देख रहे हैं, क्योंकि शोषण एक बॉल को बुता देने से अंधेरा नहीं होता है, एक बॉल बुताइएगा दूसरा बॉल जला देगा दूसरा। तो अभी जो शोषण के दमनकारी नीति है सरकार की, वो तरह तरह से हो रहा है, हर तरह से अलग अलग तरह से हो रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं वार्ता करने का, लिख कर भी दे रहे हैं, आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। सरकार कहती है, SES कहते हैं कि 1 तारीख को सरकार के शिक्षक के खाते में पैसा चल जाना चाहिए, 8 तारीख है, आज तक हम लोग के खाता में पैसा नहीं गया, पेमेंट नहीं हुआ। तरह तरह की प्रताड़ना है, इन तमाम चीजों को अभी देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सुधारेगी, और नहीं सरकार सुधारेगी तो हम रोड पर भी, कोर्ट में भी और वोट में भी जबरदस्त आंदोलन करेंगे और हम अपनी हर जायज मांगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर कर, रोड कोर्ट या वोट से कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर कर देंगे तमाम शिक्षक। और ऐसे में केशव कुमार का ऐलान है कि अगर शिक्षकों की मांगों को दूर नहीं किया जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है मांगों को, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए रोड और साथ ही वोट पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो चोट देंगे, और ऐसे में इसको देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देंगे शिक्षक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी शिक्षकों को लेकर क्या कुछ होता है, शिक्षा को सैप को लेकर काफी सारा विसंगतियां आ रहा है, जो इन कर जाते हैं वो आउट नहीं कर पाते हैं, जो आउट कर लेते हैं लेकिन देखा जाए तो इन नहीं कर पाते। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई जगहों पर ऐसा मामला सामने निकल के आया है। ऐसे में शिक्षा विभाग से कहीं ना कहीं NDC 24 भी गुहार शिक्षकों को लेकर लगाएगा कि जो शिक्षकों का त्रुटि है वो कहीं ना कहीं दूर किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।